हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग राजस्थान में भूमि सुधार इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में भूमि सुधारों का एक विशेष महत्व है, क्योंकि भूमि सुधार के अंतर्गत उन संस्थागत सुधारों का समावेश होता है जो भूमि के मालिकाना हक का निर्धारण करते हैं। भूमि जोतने वालों को भूधारण की सुरक्षा प्रदान करते हैं, बेदखली से उनको मुक्त करते हैं, भूमि लगान का न्यायोचित निर्धारण करते हैं। इसके साथ साथ ही भूमि के समान वितरण के लिए भू जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो हम सबसे पहले अभी देखते हैं भूमि सुधारों से क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है। भूमि सुधारों का मतलब उन संस्थागत सुधारों से है जो भूस्वामी, काश्तकार और सरकार के संबंधों में परिवर्तनों को जन्म देकर उत्पादन वृद्धि, तकनीकी सुधार एवं सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भूमि सुधारों के माध्यम से मध्यस्थों और बिचौलियों का अंत होता है। काश्तकारी सुधार के अंतर्गत भू लगान का निर्धारण किया जाता है। भूधारण की सुरक्षा हेतु प्रभावी कदम उठाए जाते हैं और मनमाने ढंग से बेदखली पर रोक लगाई जाती है। इसी के साथ भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण करके भूमि के केंद्रीकरण पर नियंत्रण लगाया जाता है और भूमिहीनों को भूमि का वितरण किया जाता है। इस प्रकार से भूमि सुधार के माध्यम से सरकार, काश्तकार और भूस्वामियों की भूमि संबंधों को विकास की तरफ प्रशस्त किया जाता है, ताकि कृषि का विकास हो सके और अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो सके। तो अभी हमने चर्चा की भूमि सुधार से क्या अभिप्राय है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि राजस्थान में भूमि सुधार की क्या उद्देश्य हैं और भूमि सुधार की आवश्यकता क्या क्यों पड़ी। तो सबसे पहले देखिए भूमि सुधार के उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य है मध्यस्थों का अंत। जब राजस्थान का निर्माण हुआ था तो राजस्थान में जागीरदारी प्रथा, जमींदारी और विश्वेदारी प्रथा प्रचलित थी। इन प्रथाओं के अंतर्गत किसानों का शोषण होता था, मनमाने ढंग से लगान वसूली की जाती थी और किसानों में बेदखली का भय हमेशा बना रहता था। तो ऐसी स्थिति में भूमि सुधारों के माध्यम से मध्यस्थों का अंत करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था काश्तकारों को सुरक्षा एवं मालिकाना हक दिलाना। भूमि सुधार का महत्वपूर्ण दूसरा उद्देश्य काश्तकारों को भू स्वामित्व का अधिकार दिलाना, भूधारण की सुरक्षा एवं बेदखली पर रोक करना और भूमि लगान का निर्धारण करना था, ताकि काश्तकार बिना किसी भय के कृषि कार्य कर सके। तीसरा जो कार्य था वो था सामाजिक न्याय। भूमि सुधारों का एक उद्देश्य राज्य के जो भी काश्तकार थे उनको सामाजिक न्याय प्रदान करना था। इसके अंतर्गत भू जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण करके भूमि के समान वितरण को बढ़ावा देना था, ताकि भूमि का कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण ना हो सके। चौथा जो उद्देश्य था भूमि सुधार का वो था कृषि विकास को बढ़ावा देना। भूमि सुधार के अंतर्गत संस्थागत सुधारों से भू स्वामियों, सरकार एवं काश्तकारों के संबंधों को इस प्रकार से बनाना था, ताकि कृषि विकास हो सके। राजस्थान के जब निर्माण हुआ था उस समय भूमि व्यवस्था विकास के प्रतिकूल थी, अतः कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं भू संबंधों में सुधारों के माध्यम से कृषि विकास को बढ़ावा देना भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य रहा है। और लास्ट जो उद्देश्य है वो तकनीकी परिवर्तनों को प्रोत्साहन देना। राजस्थान में भूमि के उपखंडन और उप विभाजन की जो समस्या है वो गंभीर है। इसके साथ साथ ही राजस्थान का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तानी है और यहाँ पर सिंचाई साधनों का भी अभाव है, अतः
कृषि के विकास में ये बहुत बड़े अवरोधक हैं। भूमि सुधारों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तनों के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया। अतः मैंने आप लोगों को बताया कि मध्यस्थों का अंत करना, काश्तकारों को सुरक्षा एवं मालिकाना हक दिलाना, सामाजिक न्याय, कृषि विकास को बढ़ावा और तकनीकी परिवर्तनों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राजस्थान में भूमि सुधार की नींव रखी गई, भूमि सुधार का मार्ग प्रशस्त किया गया। अब हम देख रहे हैं राजस्थान में भूमि सुधार। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के अन्य भागों में भूमि सुधारों के साथ साथ राजस्थान में भी भूमि सुधारों का सूत्रपात हुआ, ताकि किसानों को मध्यस्थों के शोषण से मुक्ति मिल सके और कृषि विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें सबसे पहले देखिए बेदखली से रक्षा। सर्वप्रथम जब 1949 में जमींदारों ने किसानों को बेदखल करना प्रारंभ कर दिया, तो किसानों की बेदखली से रक्षा करने के लिए राजस्थान काश्तकार संरक्षण अध्यादेश 1949 जारी किया गया। इसके लागू होने से अवैधानिक ढंग से बेदखल किए गए काश्तकारों को पुनः मालिकाना अधिकार दिए गए, जिसको 1955 में नए काश्तकारी अधिनियम से प्रतिस्थापित किया गया। तो सबसे पहले बेदखली से रक्षा करने का उद्देश्य रखा गया। दूसरा है लगान नियंत्रण। राजस्थान में मनमाने ढंग से ऊंचा लगान वसूल किया जाता था, किसानों का शोषण किया जाता था, तो ऊंचे लगान पर नियंत्रण करने के लिए 1951 में राजस्थान उपज लगान नियमन अधिनियम जारी किया गया, जिसमें यह प्रावधान रखा गया कि काश्तकारों से वसूल किया जाने वाला लगान कुल उपज के 1/6 भाग से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसको प्रभावी बनाने के लिए 1952 में कृषि लगान नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। इसे बाद में रद्द कर दिया गया और इसके स्थान पर 1954 में नया अधिनियम राजस्थान कृषि लगान नियंत्रण अधिनियम 1954 पारित हुआ, जिसके अंतर्गत मध्यस्थों का मालगुजारी के दुगने से अधिक लगान वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसके बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पारित किया गया, जिसमें किसानों को लगान की वसूली में शोषण से मुक्त करने की व्यवस्था की गई। फिर तीसरा देखिए जागीरदारी प्रथा का अंत। राजस्थान में लगभग 17,000 गांवों में 60% क्षेत्र में जागीरदारी प्रथा विद्यमान थी। उस प्रथा को समाप्त करने के लिए 1952 में राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम पारित किया गया और इसको राजस्थान की कुछ जागीरदारों ने न्यायालय के स्थगन आदेशों से लागू करने में बहुत बड़े अवरोध खड़े कर दिए, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता से जागीरदारों को मुआवजा व पुनर्वास अनुदान देने की दरें निर्धारित की गई। तो इस प्रकार से निम्न श्रेणी के जागीरों के पुनर्ग्रहण का कार्य 1963 से प्रारंभ हो गया। अब तक लगभग 3,00,000 जागीरों का पुनर्ग्रहण किया जा सका है। पुनर्ग्रहण की प्रत्यक्ष लागत 1971 तक 51.3 करोड़ रुपए आंकी गई, जिसमें मुआवजा, पुनर्वास अनुदान, ब्याज व वार्षिक किस्तों का भुगतान भी शामिल है। फिर है जमींदारी व विश्वेदारी प्रथा का भी अंत किया गया। 1 नवंबर 1959 को राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम पारित करके राजस्थान में भूमध्यस्थों की समाप्ति का दूसरा कदम उठाया गया। इस नियम को लागू करने से राजस्थान की अलवर, भरतपुर, जयपुर, सीकर, गंगानगर, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों के लगभग 20% भू क्षेत्र में फैली जमींदारी और विश्वेदारी प्रथा का उन्मूलन किया जा चुका है।
इससे एक तरफ काश्तकारों को खातेदारी अधिकार मिले, वो सरकार से सीधे जुड़ गए हैं, दूसरी तरफ उन्हें जमींदारों के शोषण से भी मुक्ति मिली है। तो इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। और फिर हम देखते हैं राजस्थान भूमि सुधार एवं भूस्वामी संपत्ति अवाप्ति अधिनियम 1963। जब जमींदारी जागीरदारी और विश्वदारी प्रथाओं के बाद भी राजस्थान में सामंती व्यवस्था का पूरा अंत नहीं हो पाया, तो सरकार ने मध्यस्थों की अंतिम कड़ी को समाप्त करने के लिए भूमि सुधार एवं भूस्वामी संपदा अवाप्ति अधिनियम 1963 पारित किया, जिसे कि 1964 में लागू किया गया। इसके कारण भूस्वामी और पुराने शासकों की भूमि को अवाप्त कर लिए जाने की व्यवस्था की गई। फिर नेक्स्ट है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। राजस्थान में भूमि सुधारों के अंतर्गत काश्तकारों को भूमि के अधिकार देने, भूधारण की सुरक्षा एवं बेदखली पर नियंत्रण तथा लगान के न्यायोचित निर्धारण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक नियम पारित किया गया। उसका नाम है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। यह अधिनियम 15 अक्टूबर से लागू हो गया है। इस अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समय समय पर आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इसमें तीन प्रकार के प्रमुख प्रावधान हैं। पहला है खातेदार काश्तकार, दूसरा खुद काश्तकार और तीसरा गैर खातेदार काश्तकार। और धारा 15 के अनुसार अधिनियम के लागू होने के समय जो भूमि पर काश्तकार था उसे खातेदार काश्तकार बना दिया गया। चरागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए गए। काश्तकारों को भूस्वामियों से लिखित लीज पर भूमि प्राप्त करने की व्यवस्था की गई, पर नजराना और बेकार लेने पर रोक लगा दी गई। फिर भूमि हस्तांतरण का अधिकार, खातेदार काश्तकारों को अपनी भूमि बिक्री अथवा भेंट द्वारा हस्तांतरण का अधिकार प्रदान किया गया, पर जिसके पास पहले से ही 30 एकड़ सिंचित भूमि हो अथवा 90 एकड़ असिंचित भूमि हो, उसको हस्तांतरण के लिए सरकार से स्वीकृति लेना जरूरी था। तो ये खातेकारी व्यवस्थाओं को किराए पर देने की व्यवस्था भी की गई। फिर देखिए लगान की वसूली। इस अधिनियम के अंतर्गत लगान की राशि भू राजस्व के 1.5 से 3 गुने तक रखी जा सकती थी। वस्तु रूप में लगान की जो अधिकतम राशि है वो कुल उपज के 1/6 भाग से अधिक नहीं ली जा सकती है। काश्तकारों को नगद रूप में लगान वसूली का प्रावधान है, पर उप काश्तकारों से नगद लगान निर्धारित लगान के 2 गुने से अधिक नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट, काश्तकार की बेदखली। इस अधिनियम के अंतर्गत लगान की बकाया न चुकाने अथवा भूमि के गैर कानूनी हस्तांतरण करने पर काश्तकारों को बेदखल करने की व्यवस्था है। सामान्यतः मनमाने ढंग से काश्तकार को बेदखल नहीं किया जा सकता है, उसे भूधारण की सुरक्षा प्रदान की गई। भूमि के रहन की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। इसके अंतर्गत काश्तकारी अधिनियम में संशोधन कर काश्तकारों द्वारा भूमि को रहन पर रखने की अवधि 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। 5 वर्ष पूरे होते ही भूमि स्वतः ही रहन मुक्त हो जाएगी। काश्तकारों से नजराना और बेगार लगाने पर भी रोक लगी गई है, ताकि गरीब काश्तकारों का शोषण नहीं हो सके। काश्तकारों के लगान बेदखली, रहन एवं किराया आदि झगड़ों को निपटाने के लिए अदालतों की स्थापना की गई। भूमि जोतों में सुधार के लिए भूमि की अदला बदली की व्यवस्था भी की गई है। और अनुसूचित जाति और जनजाति के काश्तकारों की भूमि के हस्तांतरण पर रोक एवं पाबंदी के लिए भूमि हस्तांतरण को अवैध करने से खरीदारों की कोई अधिकार नहीं होंगे। और भू स्वामियों को मुआवजे की व्यवस्था भी की गई है। तो इस प्रकार से मैंने आपको संक्षिप्त में पूरा बताया है कि राजस्थान में भूमि सुधार की क्या उद्देश्य है और राजस्थान में भूमि सुधार हेतु कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में भूमि सुधार पर ही और अधिक बात करेंगे। और
जो 1955 की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है, भू जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।